बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज़ डाउन सेल फ्रॉम यूनिट नंबर 7। डाउन सेल जो है इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर क्या क्या रहता है जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। और फ्यूज सोडियम क्लोराइड क्या होता है, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज टेकन एज अ मोल्टन फॉर्म। और इसका पर्पस क्या है जी, ये इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर मोल्टन सोडियम जो है मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसे ऑब्टेन करने के लिए जो है ये सेल जो है वो यूज़ किया जाता है। इस सेल की बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होती है उसको हम देख लेते हैं फ्रॉम द बुक पेज नंबर 126 के ऊपर। ये थ्रू दिस डायग्राम हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो सेल है डाउन सेल, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। ये एक सर्कुलर शेप जो है वो फर्नेस है, जिसके अंदर जो है वो फ्यूज सोडियम क्लोराइड जो है वो लिया जाता है। इस सर्कुलर शेप के सेंटर के अंदर ग्रेफाइट और कार्बन का जो है वो एनोड रखा जाता है, जबकि इसकी साइड पर आयरन किथोड जो है वो एज अ किथोड आयरन किथोड मेटल जो है वो यूज़ किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आपके पास इस रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट हासिल होती हैं, जब आप फ्यूज सोडियम क्लोराइड की जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो सोडियम अलॉन्ग विद दैट क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है वो सेपरेट किया जाता है विद अ स्टील स्क्रीन टू प्रिवेंट, ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो प्रोडक्ट हमारे पास सोडियम और क्लोरीन बनती है, इसकी मिक्सिंग को जो है वो प्रिवेंट किया जाए। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो फॉर्म होती है एट ग्रेफाइट एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर ये एक जो है कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में जो है वो प्लेस किया जाता है टू गेट द क्लोरीन गैस, जो कि इस प्रोसेस में बनती है, इवॉल्व होती है, और यहाँ से उस क्लोरीन गैस को जो है थ्रू दिस आउटलेट जो है वो निकाल लिया जाता है। अब जो सोडियम आपके पास मेटल जो बनती है वो मोल्टन फॉर्म में हासिल होती है, जिस जो कि इस फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड के ऊपर यहाँ पर फ्लोट करती है, जिसको थ्रू दिस कंटेनर इसके अंदर जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो फ्यूज सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आयंस में चेंज हो जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। आपको पता है सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दे विल मूव टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्लोरीन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसने कहाँ किस तरफ को मूव करना है, एनोड की तरफ, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और सोडियम पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड। और फिर क्या होगा, क्लोरीन और जो सोडियम है ये डिस्चार्ज हो रहेंगे, अपने आयंस जो हैं ये जो है वो चार्जेस जो हैं वो रिमूव कर देंगे। और रिएक्शन कैसे होता है उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हियर यू कैन सी द रिएक्शन कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड आयनाइज होता है एज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। रिएक्शन एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव करती है, और ये डिस्चार्ज होती है, ऑक्सीडाइज होती है टू अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो क्या चीज़ किस फॉर्म में आ जाती है जी, क्लोरीन गैस की फॉर्म में आती है, एंड इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जबकि जो सोडियम आयन है इट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड, और जब भी कैथोड पर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और ये रिड्यूस हो जाता है इनटू सोडियम मेटल। अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल जो ये रिएक्शन है उसे कैसे कहते हैं। हमारे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद था, सोडियम क्लोराइड फ्यूज स्टेट में अपने आयनिक फॉर्म में था, जो कि क्या थे, टू क्लोराइड और टू Na। इसको हम, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, हम इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या चीज़ फॉर्म होती है, क्लोरीन गैस एंड सोडियम मेटल। और जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज हुए थे वही दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो इन्हें हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन गैस बन गई और सोडियम मेटल जो कि हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज सोडियम क्लोराइड। होप सो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।